नमस्कार, आज प्राइम डिबेट को आपमन को स्वागत। भीषण बात्यारु दुर्बल होइछि असानी। उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे स्थलभाग आड़क अग्रसर होउछि बात्या। आंध्र प्रदेश मछलीपाटनम एवं काकीनाडा मध्यरे स्थलभाग छुइबो बात्या असानी। आंध्र उपकूलवर्ती अंचल देखिबा पई मिलिछि वर्षा एवं पवन रो प्रकोप। एपटे ओडिसा रे पवन कम हेले भी वर्षार परिमाण बढ़िबो। बात्यार स्थिति और गति असानी प्रभाव एवं मुकाबिला नै आलोचना। बात्या दुर्बल वर्षा प्रबल। घंटा प्रति प्राय 6 किलोमीटर बेगरे माड़ी आसुची बात्या असानी। आज आंध्रप्रदेश मछलीपाटनम एवं काकीनाडा मध्यरे स्थलभाग छुइबो बात्या। वर्तमान यह मछलीपाटनम थारु 40 किलोमीटर दूर से रही। सेभरी गोपालपुर थारु दक्षिण पश्चिम 520 किलोमीटर एवं पुरी थारु दक्षिण पश्चिम दिगरे प्राय 630 किलोमीटर दूर से केन्द्रीभूत होइछि बात्या। आसंता काली सकाळ सुधा यह दुर्बल हो अवपात्रे परिणत हेब। बात्या प्रभाव में आंध्र उपकूल में वर्षा एवं पवन जारी रही। वर्षा पवन को नजर रखी आंध्रप्रदेश में आज होगा परीक्षा को स्थगित रखी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन परीक्षा को स्थगित रखी। 25 तारीख में परीक्षा होने निष्पत्ति। एपटे बात्यार स्थिति गति और प्रभाव संपर्क में आम आलोचना करने आम सहित रोचान पापाग विज्ञानी प्रोफेसर संदीप पट्टनायक। प्रोफेसर पट्टनायक, आपको स्वागत करुच्ची। आंध्र को केत मात्रा प्रभावित कर बात्या सूचना कौन रोच बर्तमान समय अपडेट कौन बात्यार स्थिति नहीं? नमस्कार। वर्तमान से जो आंध्र कोस्ट से तथापि टेक्निकली से कोस्ट रही अच्छी से तार जो सेंटर पॉइंट कोस्ट रही अच्छी तार किंतु आउटर बैंड्स पूरा बहुत डैमेज करुची आंध्र को। इट्स ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। 60-70 विंड होची, वर्षा भी दोची, प्लस चेन्नई को भी वर्षा दोची, तमिलनाडु चेन्नई को वर्षा दोची, किंतु से दुर्बल हो जीवो आउ अल्प समय भीतर से डिप्रेशन की लो भी जाई पारे से तापर टर्न करुची से समुद्र भीतर को पूर्ण टर्न करुची किंतु बहुत वीक अवस्था रे टर्न करुची। ओके सर, ए सब भितरे आशंका बा विपद जहां थिला हमें अनुमान करूथिले से सब टळी गला कुहा जाई पारे कि वर्तमान रो स्थिति को देखिले ओडिसा परिप्रेक्षीरे देखिले आंध्र रे तो रहिबो। आंध्र रे आजि नै, आंध्र रे 2-3 दिन रहिबो। से सिस्टम कोस्ट पाखे रे अछि, से पूरा जाई नि लैंड को, से कोस्ट पाखे रे अछि, सेति बाकि से स्ट्रगल करूची। ओडिसा परिप्रेक्षीरे देखिले आपण काली जो साउथ ओडिसा डिस्ट्रिक्ट्स माने अछन्ति से माने भी टिके रेन पाइबार चांसेस अछि। नॉर्थ ओडिसा डिस्ट्रिक्ट माने भी रेन पाइबार चांसेस अच्छी काली पर्टिकुलरली। तापर से सिस्टम वीक हबो, किंतु से सिस्टम ओ जेहेतु कोस्ट रे अच्छी से एते शीघ्र भी वीक होउनी, से धीरे धीरे वीक होउची। तार डिप्रेशन स्टेज रे वर्तमान अच्छी जहां एमडी वर्तमान आकलन करची। से जदि पूर्ण टिके कारण सेटी संगठित होवा पई टिके अच्छी, तार पाखरे टेम्परेचर टिके अच्छी, आउ टिके विंड भी मॉइस्चर मिलचे, टिके संगठित भी हेई पारे, अबिका नुए कि टाइम लागिवो। आउ जदि भी संगठित हे कि टिके टिके स्ट्रेंथ गेन करिवो, ताकु अमर जो तळ लेवल रे जो अमर वायु जाउची साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, से ताकु नै जीवो स्टीयर करिकि बांग्लादेश आडे आम पई एते प्रभाव लागुनि। परवर्ती समय केमिति रहिबो सर, जदि 13 तारीख परे वर्षार परिमाण कमी जाए बा स्थिति पुनी स्वाभाविक होई जाए, ता परवर्ती परिवेश बा पागो केमिति रहि पारे? हाँ, आपणकर ए सिस्टम टा 12 सुधा क्लियर आउट हिजो ओडिसा परिप्रेक्षीरे देखले। तापर आपणकर 13 टू आपण क्लियर साइज स्टार्ट हिजो, समर टेम्परेचर स्टार्ट हबो। अ वर्तमान लागुचि जे 15 परे आपणकर पूर्णी टेम्परेचर वृद्धि हबो। पश्चिम ओडिसा टिके उत्तप्त रहिबो, एप्रिल मास भलिया उत्तप्त रहिबनि, हीट वेव कंडीशन न आसी पारे किंतु उत्तप्त रहिबो। तापर 15 तारिख रु संपूर्ण ओडिसा उत्तप्त रहिबो अप टू मे लास्ट पर्यंत एया लागुचि वर्तमान सर। अर्थात 15 रु मे 30 जाए ए समय उत्तप्त रहिबो, एवं से समय रे वातावरण कोन रहिबो, कोनोसी प्रकार लघुचाप संभावना रहुचि कि क्षेत्र सृष्टि होउचि कि नै? लघुचाप क्षेत्र ए जो सिस्टम अछि, ए जो सिस्टम वर्तमान डाई आउट हेइनि, से सेहिठी रहिबो, से कोस्ट पाखरे से रहुचि। से जदि टिके टिके संगठित हुए, संगठित हेले टिके आगु को बढ़िबो, किंतु से जेतेबेले शक्तिशाली टिके होतुबो, सेतेबेले हमर जो तळ लेवल रे जो वायु चालू छी वर्तमान, जो आपणकर जो आपण को जनि सी ब्रिज, से वायु हमर दक्षिण पश्चिम दिगरु उत्तर पूर्व दिग को चालू छी, से सेहि पे टिके जेतेबेले संगठित हबो, से ताकु टाणी नै कि बांग्लादेश आडे पकई दबो। आमो आडे एते प्रभाव आउ हेला भलिया लागुनी, आमे वर्तमान गरम रेजिम रे जिबा 15 तारिख ऑनवर्ड्स। आज्ञा सर, अन्य बात्या अपेक्षा एथर बात्यार आकलन में विलंब हो आकलन कहीं ठीक ढंग से करनी? आम देखुचे बारंबार परिवर्तन एवं गोटे द्वंद्व अनेक रोचे, पूर्व बात्या मानते द्वंद्व रो ना?
हाँ आपण बहुत वैलिड क्वेश्चन पचारले हमर बात्याटा जदि सीधा सम जेंदी फाइल सर मु टिके क्षमा चाहू छी आपण को अटकेबा पई चाहू छी परवर्ती समय रे मु पुनी फेरु छी ए प्रश्न नै वर्तमान एसआरसी बात्या संपर्कित सूचना दउ चंती ओडिसा रे प्रभाव एवं मुकाबिला कोन नै कोन रही पारे आसंतु सुनिले बा सीधा सवाल रूपांतरित होइथिला ताहा जेंति गतकाली हम कहुतले ताहा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रे गति करी आंध्र प्रदेश उपकूल आड़क गति करूला इतिमध्यरे भीषण झड़ू सामुद्रिक झड़ को दुर्बल वर्तमान सामुद्रिक झड़ हिसाब से आंध्र प्रदेश उपकूल पखापाखी पहुँची मानने मछलीपाटनम एवं नरसापुर मान काकीनाडा मछलीपाटनम मध्य खूब मान निकट अति निकट में अल्प समय मे भी घंटे देढ़ घंटा भितर ता स्थलभाग छुई पारे एवं स्थलभाग छुईला परे ता दाहण को रिकवर करबो करके स्लोली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उत्तर उत्तर पूर्व दिग को जाई समुद्र स्थलभाग जो समुद्र कूल को लागिकी सेटा मूव करबो एवं आज आशा करा जाउछि ता मध्यरात्रि बेल को पुणी समुद्र भितर आउ थरे पसि जिवो एवं समुद्र भितर पसि गला परे ता पुणी डीप डिप्रेशन आकार में पशोर आसंता का सका सुधा ता केवल अवपात रूप नब अवपात मैंने कहले आम पखापाखि 40-45 किलोमीटर घंटा प्रति पवन रेग रही तेणुतापुर समुद्र भितर गलापर नर्थ नर्थ इस्टर्ली डिरेक्शन में मुव कर तेज तार गतिपथ आउ फर्दर आई एन भी क्रेडिट करना कितु जहाँ जनापड़ी आस्ते आस्ते दुर्बल हो सामुद्रिक झड़ असानी जोटा किसी समय पर भितर स्थलभाग छुईबार संभावना अच्छी द्वारा ओडिशार कौन सी जिले में सेमती आम कि असुविधा आशंका करूना कौन सेमती परिस्थित हेना पवन रेग बेसी रही जिला मानक वर्षा मध्य आज गत 24 घंटा भितर जब आम देखा केवल खोर्धा जिले में आवरेज 28.6 मिलीमीटर गजपति 23.9 मिलीमीटर नयागढ़ 19.3 मिलीमीटर एवं गंजाम 19.1 मिलीमीटर ढेंकानाल 18.5 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होती सबुठ हाएस्ट वर्षा होती केन्दुझर जिलार घसीपुर 72 मिलीमीटर खोर्धा ब्लक रही 70 मिलीमीटर कणास 57 मिलीमीटर वर्षा होती एवं पखापाखि 20-50 मिलीमीटर हिसाब से 42 ब्लॉक रे हेती वर्षा तेणु सेमती भी अति अधिक वर्षा होना जहाद्वारा कौन सी स्थान रे जलमग्न होबार कौन सी सूचना आसीना आज जहाँ पानीपाग विभाग सूचना अच्छी आज ता मैंने आसंता काली सकाळ पर्यंत मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ नवरंगपुर गजपति गंजाम केन्दुझर मयूरभंज और बालेश्वर जिले में मध्यम धरण वर्षा हम बोली आकलन कर भारतीय पाणीपाग केन्द्र से 7-11 सेंटीमीटर भितर तेज जहाँ जमापड़ी बहुत अधिक वर्षा होगा भाया लगुना आहेतु पवन रेग सेमती किसी ना नोटिसबुल ना वर्षा मध्य अति अधिक हबार संभावना ना तेणु आम ओडार कौन जिले में कौन प्रकार प्रतिकूल पिस्थित सृष्टि हबार आशंका आमे करूना एवं जदि कौन लोकालाइट किसी समस्या हुए ताकू जिला प्रशासन तांकरी लेवल रे से माने मैनेज करिया पे सक्षम अटंती तांको पाखरे ओड्राफ एवं फायर सर्विस रखाई जेकोसी परिस्थिति जदि उपजे सेमती परिस्थिति उपजार संभावना आम देखुनु तथापि जदि सेमती किसी परिस्थिति कौन लोकल स्थानीय भाव में कौटी हुए ताकू से सफल मुकाबला करें विश्वास रही धन्यवाद शुणुले एसआरसी सूचना एसआरसी जहाँ कहते प्राय घंटे देढ़ घंटा भितर मछलीपाटनम और काकीनाडा मध्य लैंडफल करपे बात्या यार एतटा प्रभाव रही नपे
किसी जगार प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हो पारे और किसी जगार विक्षिप्त वर्षा हो पारे ताकु नजर रखी राज्य सरकार जो पूर्व प्रस्तुति करते वर्तमान सजग हो रही जदि आवश्यक पड़े समस्त जगार सुरक्षाकर्मी को मुतयन करा किभली जीरो काजुआलिटी हे कौन क्षय क्षति नाबर गुरुत्व आरोप कर राज्य सरकार पुणि थे आम स्टूडियो आलोचना को आगे बढ़ावा लगातार भाव में पाणीपाग विज्ञानी प्रोफेसर संदीप पटनायक आम सहित अच्छा प्रोफेसर पटनायक जहाँ मुझे पूर्व प्रश्न पचारी बात्या आकलन करते द्वंद्व कहीं हाँ आप बहुत वैलिड क्वेश्चन पचारे आम कौन कि आम गोटे बात्यार दीटा दिग रोच गोटे आप बात्या सीधा समुद्र आसो लैंड भितर पशिजी जमी आप फाइलिन देखिले हुड हुड देखिले अम्फान टिके कर्व कर ये सब मोर अर लेस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात्या किंतु आपण जदि रिकर्व बात्या देखिबे आ सेटा रिकर्व बात्या ता मेन आसे प्री मॉनसून टाइम रे कारण आम जो वायु चलन एमती थाए जमी आप जवाब देखिले अबिका आसानी देखिले आउ सेपटे आर वर्ष बोधे आसला निसर्ग अरबियन सी रे रिकर्व रे कौन हुए कि आप गोटे जगार से बुलिबो से जगटा को आपन को धरिवार अछि जदि से जगटा टाइम टा इंटेंसिटी टा आपन धर न परले से मिस कर जिवे आपन कंप्लीट आपनकर ट्रैजेक्टरी अलग हे जिवो सेटा होची बहुत क्रुशियल आ द्वितीय जिंस होची रिकर्विंग साइक्लोन जते बेले लैंड पाखरे जाई पहुचिबो से वर्तमान जो टिपिकल परिस्थिति सृष्टि हे आंध्र प्रदेश रे से आंध्र प्रदेश भितर पूरा पोसी पारुनी से तार निजर शक्ति अछि से चेष्टा करछि पोसिया पे कि आंध्र रे बैरियर अछि एक्चुअली कोन हेछि 9 तारिख दिन राति रे कि 10 तारिख सकाळे हमर गोटे म्यांमार रीजन रे गोटे हाई प्रेशर रीजन रहिछि सेटा इट सपोज टू गिव ए स्पेस ए सिस्टम पाई कि 10 आमे सेते एंटिसिपेट करथुलु 10 राति रे से रिकवर करबा स्टार्ट होबो कारण से स्पेस टा मिलिबा दरकार किंतु से स्पेस टा देला नाही से म्यांमार हाई प्रेशर टा रोइला जितेबाला से रही से नॉर्थ वेस्ट आड़े डायरेक्शन में मूव करता आगे ब्लॉकेड आसीगला से कौन कला आउ टिके मुड़ीगला वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आड़े मूव कला किंतु मूव कले आंध्र जो रिस्टा अच्छी से अबिका पंत भी अच्छी से ताकु पुरे दोनी ये जो संघर्ष भीतर से कोस्ट रही जाऊ से चाहूची पसि जीवा पई किंतु ताकु पसि पारुनी से कोस्ट रे देखिबे लास्ट 48 घंटा ला घसी हे 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 वर्तमान से पूर्ण समुद्र को फेरिबो मे बी काली फेरिबो कि आज रात रे फेरिबो तापरे तारो माने तारो वीक हे जीवो किंतु परिस्थिति ये होची आउ जते बेले कोस्ट पाखरे रहे स्टॉर्म टा से लैंड सहित इंटरेक्ट करूची ओशन सहित इंटरेक्ट करूची एटमॉस्फेयर सहित इंटरेक्ट करूची से बुलीवा को चाहूची तापरे लैंड इंटरेक्शन बहुत कंफ्यूजिंग आउ प्लस तादरे ड्राई एयर जाउची ए जो कॉम्प्लेक्सिटी गुरा मॉडल माने कैप्चर करि पारंतिनी सेहिति पई आपण देखिबे ट्रैजेक्टरी गुरा एपर सब एजेंसी पर्टिकुलरली 9 राती रे आउ 10 सकाळे कारण से फीचर टा सेबे जणा पडला सेहिति पई आपण देखिबे ट्रैजेक्टरी एहा बुझा पडिबो कि एप्रिल मे मास रे आसुथिबा बात्या को आकलन करबा कष्ट साध्य कारण या केते बेले मध्य कर्व नै पारे किंतु अक्टोबर नवंबर से समय रे आसुथिबा बात्या को शीघ्र आकलन करा जाई पारे नहीं सेमती कही हेनी मुझे बात्या नहीं मानते ह्यूमन बीइंग आप प्रति बात्या गोटे डिफरेंट यूनिक एनवायरनमेंट रे ग्रो हुए यूनिक एनवायरनमेंट रे प्रोग्रेस करे आप प्रति बात्या देखा पड़ो कि रिकर्व करिवो कि ना अबिका देखिले हमें जवाद थिला एबे ए जो बात्या टा आसला जवाद विंटर बात्या थिला किंतु तथापि से रिकर्व कला रिकर्व करिवार गोटे फीचर्स थाए आप से बात्या वाइज आप देखिबे आ रिकर्व कोन हला कॉम्प्लेक्सिटी टा बढ़ी जाए आपको छोट स्केल भी देखा पड़ो कौन हो लार्ज स्केल भी देखा कौन होता घंटा घंटा चेंज हुए जदि मॉडल मैन से कैप्चर न करेंगे आपड़ी आम बर्तन आंटीसपोर्ट करूँ जो वाइजाक रु 300 किलोमीटर दूर से 10 तारीख रात से टर्न कर से पॉइंट से मिस करदेला मिस करदेला मैंने से वाइजाक पाखापाखी पहुंचीगला आउ वाइजाक पाखापाखी पहुंची गले से आ बुलवाक चाहूँगी बुली पारुनी से बारंबार लैंड रे माड़ हो पसी भी पारुनी कारण से ब्लॉकेड अच्छी से ब्लॉकेड टा अच्छी आउ से काली को देखिबे काली की पर दिन से बोधे पुणी बाहर ओशन को से टिके संगठित होगा चेष्टा करिवो से रिस्टा ताकु टिके स्पेस दबो तलपटू देखिबे जो वायु अमर जाउची दक्षिण पश्चिम वायु से ताकु नै कि बांग्लादेश आड़े पळेबो आम पई आउ एते इंपैक्ट नै तनो ई सब कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्विंग साइक्लोन रे अराइज करे सेटा चैलेंजिंग आणे आउ सेटा बहुत फास्ट चेंज हुए सेटा बहुत चैलेंजिंग आणे फोरकास्टिंग एजेंसी पई तो कैप्चर करिया पई आज्ञा निश्चय आम ए संपर्क आलोचना को आगू को बढ़ावा किंतु समय एक छोट ब्रेक रो दुई हजार 897 नुआ कोरोना संक्रमित से 24 घंटे 54 जनकर मृत्यु होइछि
देशरे एक्टिव केस 19494 रही। दैनिक पॉजिटिविटी हार 0.61% रही। राजधानी दिल्ली चिन्हट होती 1118 नुआ कोरोना संक्रमित। से ही महाराष्ट्र 24 घंटे चिन्हट होती 223 नुआ संक्रमित। केरल बढ़ी चली संक्रमितों संख्या। वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा पूर्वतन केन्द्रमंत्री पंडित सुखराम को परलोक। मे 7 तारीख में 95 वर्षीय सुखराम को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया। सुखराम 1927 मसीह जन्म होते 1993-1996 पर्यंत सुखराम केन्द्र टेलिकम मंत्री थे। हिमाचल प्रदेश मंडी लोकसभा आसन प्रतिनिधित्व करुवा सुखराम 5 थर विधायक और 3 थर लोकसभा सांसद भाव विजय हासिल करते। 1963-1984 पर्यंत मंडी विधानसभा आसन विधायक होता सुखराम हिमाचल प्रदेश पशुपालन मंत्री थे। जर्मानी गाई आनी फल राज्यर कृषक मान आय वृद्धि होता। 1984 मसीह से लोकसभा को निर्वाचित हो राजीव गांधी सरकार ने जड़े कनिष्ठ मंत्री भाव दायित्व निर्वाह करते। टेलिकम दुर्नीति संपुक्ति अभियोग कांग्रेस बहिष्कृत होते। पर सुखराम हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी नाम राजनैतिक दल गठन कर बीजेपी मेंट करने सरकार में जोगद। 1998 से मंडी सदर आसन निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता कर विपुल भोट्रे विजयी होते। 2004 से पुणी थे कांग्रेस में सामिल होते। देशद्रोह आईन प्रसंगे सुप्रीम कोर्ट ब्रेक पर स्वागत। बात्या आंध्रप्रदेश नुआ नुहे ओडिशा नुआ नुहे। विगत गोटे दशंधि भितर आम बहुबार एमती अनेक बात्या देखी आसीचे एवं बात्यार प्रभाव को मध्य अति निकटर देखीचे। किभली क्षयति करे किभली प्रकोप देखाए बात्या से सब को जी माने अंगे निभेइछंती स्वाभाविक भाव में बात्या कथा जेतेबेले आसे मनरे छनका पछि जाए। किंतु आश्वस्तिर कथा चलित थर बात्या सेभली किछि बड़ प्रभाव पकाई नाही एवं सेभली कोनोसी क्षयति होई नाही एवं सम गड़िबा सहित आशंका मध्य धीरे धीरे कमी कमी जाउछि। बात्या संपर्क रे आमे आलोचना करूचे लगातार भाव में पाणीपाग विज्ञानी प्रोफेसर संदीप पटनायक आम सहित अछंती। प्रोफेसर पटनायक आपण जेमिति कहुथिले विभिन्न बात्यार बिहेवियर बा व्यवहार भिन्न भिन्न रही थाए। तो एथर जो असानी बात्या आसीथिला यार सृष्टि केमिति हेइथिला एवं एई बात्या अन्य बात्या मानको थारु अलगा केमिति थिला संगठित हेबारे। हाँ आप ठीक कथा पचारे आमर ये जो बात्या सृष्टि होता ये 3 तारीख दिन गोटे पैसिफिक ओशन आम दक्षिण उत्तर पश्चिम पैसिफिक ओशन रु गोटे रेमिनेंट्स आसीथिला गोटे ट्रफ एक्सिस आसीथिला 3 तारीख दिन से जहाँ प्रोजेक्शन थिला साउथ अंडमान सी 4 तारीख संगठित होला। 6 तारीख दिन तार लो प्रेसर है लो प्रेसर है टिके एक्सिलेट करदेला। 7 तारीख दिन से डिप्रेशन हो गला। 8 तारीख दिन डीप डिप्रेशन हो गला। 9 तारीख 8 तारीख बोधे राति से बात्या हो गला। से पर्यंत सब ठीक थिला। 8 तारीख पर से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जीवा कथा साउथ ईस्ट बे रु से वेस्ट सेंट्रल बे को आसिया कथा आम कोस्ट लाइन पाखरे से रिकर्व करिया कथा वाइजाक रु नियर अबाउट 300 किलोमीटर्स रे 10 तारीख राति रे से बुलीबा कथा नॉर्थ वेस्ट आड़े जाउतबो से नॉर्थ ईस्ट आड़े बुलिया कथा। सेई जगह रे ताकु आमे जो एंटीसिपेशन कराउतला से मायमर जो हाई प्रेशर रीजन टा हमर हेड बेर अछि से ताकु स्पेस दबो बोली कारण आंध्र रे ताकु ब्लॉकेड अछि आंध्र रे स्पेस दबो ताकु ऊपर लेवल रे स्पेस दबो बोली किंतु से देला नाही। जेहेतु देला नाही ये गोटे मॉडरेट इंटेंसिटी साइक्लोन सी आउ साउथ ईस्ट बेरु से नॉर्थ वेस्ट बे नवासी की से वेस्ट सेंट्रल बे आड़े पड़ेला जोटा आंध्र कोस्ट को आंध्र कोस्ट को जेतो 380 किलोमीटर पड़ेला आ ता पर से बुलिया को चाहू जी से बुली आउ पारू नाही। आ वेस्ट सेंट्रल बे जो रीजन टा आची सेटी टिके मॉडरेट संगठित होवा पाई कि ताकु टिके सुविधा आची आज पर तो देखिबे भी से स्ट्रगल करू छी तार पॉइंट टा बाहर अछि से एमती टिके स्ट्रगल करू छी आ देखिबे काली आज राति की काली से बाहरिबो बाहर के टिके भी संगठित होवा को चेष्टा करिवो। ये जो जो डायनामिक जिनसटा मु अपन कहली जो 9 राति आ 10 भितरे चेंज हे गला से जो चेंज हे गला सेतिक बड़े हमरो ओडिसा आ जो बॉर्डर दे की जिबार थिला धार पैरेलल जिबा कथा से पड़ला वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आंध्र किंतु से आंध्र आज पंतो ही पसी पारुनी से सेई आंध्र स्ट्रगल करे की से पूरी बाहरिबो बाहरी की बदे टिके संगठित होबो किंतु बहुत वीक हे जाइथिबो आमो ऊपर आ प्रभाव नाही। ये गोटे टिपिकल हिस्टोरिकल बात्या आ सब बात्या इज यूनिक किंतु ई जो रिकर्विंग बात्या आउ लैंड पाखरे रहिबा बात्या ये गोटे यूनिक जिनस दे मे बी तार गोटे कम्प्लेक्सिटी थाए आमे अभी अपन तो जानी पारुनी जे एक्जैक्टली
କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନୁସରଣ ଗବେଷଣା ଦରକାର ହେଉଛି। सर आम जमी अनेक बात्यार शुणे कि बात्यार आई बा आखि एत बड़ था यार आकार एमती जदि सेमती शक्ति देखा यही बात्यार शक्ति कौन नहीं आम जो बात्यार कैटेगरी देखिए आपंकर साइक्लोनिक स्टॉर्म तापर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तापर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तापर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तापर सुपर साइक्लोन 220 ऊपर बात्यार सब कैटेगरी टा विंड ऊपर डिपेंड करे आपण देखंतु जेतिक आई थिबो गोटे साइक्लोन आई थिबो से साइक्लोन सब बेले सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म नले ऊपर थिबो किंतु बहुत टाइम रे आपणकर साइक्लोन थिबो मॉडरेट साइक्लोन थिबो किंतु आई नथिबो आई टा डिफाइंड करे कि ओडे बात्याटा मैच्योर हेगला जदि जेंती अम्फान थिला फनी थिला कि ताउते थिला कि फाइलिन थिला एमान सब मैच्योर बात्यो एमाने ए जो आमे जो कथा हो जो हाई प्रेशर लो प्रेशर से किछि मानी बेरी सी एते मैच्योर हे जिबे से तांकर रास्ता से डिसाइड करिवे किंतु ये कोन है जी ये ओडे मॉडरेट साइक्लोन ये बडो साइक्लोन हुए से सहित पाई जो ट्रफ एक्सिस थिला अफगानिस्तान वेस्ट बंगाल से देखिबे से पूरा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बिगिनिंग रु से 4 तारिख रु सेम ती मूव करी करी चली थिला आमे एक्सपेक्ट करथुलु जे ये गुटे मॉडरेट साइक्लोन आ आंध्र रे रीज अछि से स्टीयर कर जिवो बांग्लादेश आड़ को से स्टीयर कला नाही किंतु से जेहेतु टिके मॉडरेट अछि से सेहित पाई की आंध्र भितरे पोसिबा को चाहु छी आ आंध्र रे इंपैक्ट भी दउ छी तनो ये जो इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन इट्स अ बिग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अपन ट्रैक ता तथा भी कोई देबे कि इंटेंसिटी आहुरी प्रॉब्लम अबिका पंत भी हमरो माने प्रेडिक्शन रे स्किल रे इंटेंसिटी रे स्किल सब बेले कम थाए ट्रैक रो बेसी थाए आज्ञा सर जनसाधारण समस्त नजर तो रही है समस्ते वर्तमान आश्वस्ति कि बात्या ओडिशा रे एते प्रभाव पकाइबो नाही किंतु वर्तमान समस्त मन में प्रश्न कि वर्षा केते दिन हेबो गरम गुळुगुळी रु केते दिन जाए के निस्तार मिलिबो एवं तापरे खरा दिन सरीगला मन करा जाई पारे कि नहीं बर्तमान तो खरा फेरिबो आपण 15 तारिख रु मॉडल प्रोजेक्शन देखले जणा पडछ जे 15 तारिख रु हमर खरा फेरिबो गरम हबो आ 15 तारिख रु आपण नै चलंतु मे एंड पर्यंत गरम हबो पश्चिम ओडिसा रे बहुत गरम हबो आपर उपकूलवर्ती भी गरम हबो गुळगुळी भी हबो जो हमर टिपिकल फीचर थाय ताटु टिके अधिक रही पारे किंतु एप्रिल भलिया हबोनी किंतु 15 तारिख रु टेम्परेचर बढिबो आ बात्या बिषय रे ताकु नै प्रश्न रहिबो जेमिति आमे सुनै कि गरम गुळगुळी जदि बहुत होउची ताहेले वर्षा शीघ्र आसी जाय बा लघुचाप क्षेत्र होय तो सृष्टि होई जाई पारे सेई भली कोनोसी संभावना आसी पारे कि नै लघुचाप क्षेत्र जदि भी सृष्टि होबो जोटा आरई जो वर्तमान जो रेमिनेंट्स बाहरिबो समुद्र को से बदे 14 तारीख आड़ को टिके इंटेंसिफाई हेई पारे किंतु से ता सहित तो गरम गरम कारण उत्तर पश्चिम दिगर गरम वायु आसु से गरम वायु आसीबो 15 तारीख पर आपनकर देखिबे वार्म टेंपरेचर फील करिवे जदि भी ये गोटे संगठित होई कि लघुचाप ए पूर्ण लघुचाप अवपात होबो से जीवो बांग्लादेश से आमो सहित आउ किछि जीवन से वीक थिबो ताकु स्टीयर कर दबो विंड बांग्लादेश आड़े किंतु आमे वर्तमान एक्सपीरियंस करिबा आउ काली गोटे दिन टिक वर्षा हबो 15 तारिख रु आमे पूर्णी गरम एक्सपेक्ट करिबा 15 रु 30 मानिक चलंतु तापर आमे एक्सपेक्ट करिया जे मॉनसून फर्स्ट वीक रे आसी जिवो रेन स्टार्ट हे जिवो किंतु गुळगुळी समस्या आउ गरम समस्या 15 रु स्टार्ट हबो। सर संभाव्य बात्या एवं आशंका को नहीं विभिन्न वर्तमान उपकूल रे बा समुद्र कूल रे पर्यटकों ऊपर कटकणा लगी किए समुद्र को जाऊ ना गाधो ना 13 तारीख पर आउसी विपद ना समुद्र रु बुझा जिवो नहीं आमर जो कोस्टल समुद्र रे विपद नहीं कारण जो आम बर्तमान कसस कारण से सिस्टम टा बाहर बोधे समुद्र को काली बाहर कि आज रात बाहर से टिके संगठित हो पारे संगठित कारण से जो वेस्ट सेंट्रल बे रे टिके संगठित पाई कि अच्छी किंतु संगठित साइक्लोन से हिजिबोनी मे बी डिप्रेशन मे बी लो प्रेशर रहिबो आ रहिले भी से जीवो आपणकर वेस्ट सेंट्रल बे रु से जीवो बांग्लादेश जदि हुए से पई हमर कोस्टल एरिया रे एते ये नहीं किंतु आमे आकलन को अपेक्षा करबा आईएमडी रे आकलन जदि से तथा भाबी हो कि नहीं ओशन मे बी आउ 3-4 दिन डिस्टर्ब हे कि रहिबो फिशरमैन मानकु से माने स्टॉप करिवे किंतु लागुची जे हमर डिस्टर्बेंस टा पर्टिकुलरली कोस्ट रे किछ असुविधा नै टिके मिड ओशन रे असुविधा थाई परे कारण ये सिस्टम अबिका कंप्लीटली डाई आउट हेनी से बाहरिबो काली की आज बाहरिबो टिके भी संगठित होई पारे वे सेंट्रल संगठित हेले से यदि मूव करछि बांग्लादेश आड़ को से वेस्ट ओशन को डिस्टर्ब करी पारे से पई आईएमडी रे आकलन को हम अपेक्षा करबा फिशरमैन मानन पई कोन अलर्ट रहउछि लैंड ऊपर गरम आसी जो 15 पर सर जमी पूर्व अनुशीलन कथा कहते हैं पूर्वर बहुबार आप बात्या को देखी बात्यार गतिपथ संपर्क में आलोचना आकलन कर चलित थर व्यक्तिगत भाव में आप कौन सब शिक्षा पाइले
ଏ ଭେରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଭେରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆପଣ 9 ରାତି ଆଉ 10 ସକାଳରେ ଆପଣ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବ ଇଟ୍ସ ଏ ନାଇଟ୍ ମେୟାର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେ ହଠାତ୍ କିନା କ'ଣ ହଉଛି ସେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି ଆମେ ଆମେ ମନିଟର କରୁଛୁ ଆଜି ହବି ଆମେ ମନିଟର କରୁଛୁ ସେଇ ଯୋଉ ଥ୍ରିସୋଲ୍ଡଟା ଥିଲା 9 ରାତିରେ ଆଉ 10 ସକାଳେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜିଂ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କି ଏଇ ଭଳିଆ ସେ ଟର୍ନ ନଉଛି ଏ ବାତ୍ୟା କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କି ବାତ୍ୟା ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣ କିଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବାତ୍ୟା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହବ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି ଯିବେ ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆପଣ ପୁଣି ଅପଡେଟ୍ କରିବେ 6-6 ଘଣ୍ଟାରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ଗୋଟେ ହାବିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିଦଉଛି କି ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଟର୍ମିନିଷ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାତ୍ୟା ପଡିବ ଏଇ ନାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଏ ଭେରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଇଏ ସମ୍ଭାବନାର ସାଇନ୍ସ ଆପଣ ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟା କହିଲେ ପୁଣି 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ କରିବେ ଦେଖିବେ ଆଇଏମ୍ଡି ଆପଣଙ୍କୁ 12-12 ଘଣ୍ଟାରେ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛି କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଟର୍ମିନିଷ୍ଟ ସାଇନ୍ ନା ଇଏ ସମ୍ଭାବନାର ସାଇନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଧୀରେ ପ୍ରତିବାତ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ଶିଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏହା ଆମର ଯେତେବେଳେ 1999 ଥିଲା ତାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତେ ସ୍କିଲ୍ ଗେନ୍ କରିଛୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ରେ ତା ଆହୁରି ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଲେସନ୍ କିନ୍ତୁ ଡରିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କଲେ ଆଉ ଡରିବେନି ଅନ୍ନୋନ୍କୁ ଆପଣ ଡରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଯିବେ ଏ ବାତ୍ୟା ଏମିତି ଆସେ ଏମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦିଏ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଏମିତି ହବ ଆମେ ଏହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ମିନିମାଇଜ୍ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେ ଆଉ ଆଇପିସିସି କହିଛି ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ରେଡି ହେଇକି ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିକି ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବାତ୍ୟା ଆସୁ ଯାଉ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଯେମିତି ମିନିମମ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହଉ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ରିଲିଫ୍ରେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରିପ୍ ଆସିଗଲାଣି ଆମେ ତା ଦେହରେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ୍ର ଗୋଟେ ମଡେଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭଳି କନ୍ସିଡର କରୁଛୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଦିଗରେ ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦିଗରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦିଗରେ ଆହୁରି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ଫୋରକାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର ଆମର କ'ଣ ହଉଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏଥର ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ସାଇନ୍ସ ଆପଣ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କୋନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ଟି ଅଛି ସେ କୋନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ ଯେତେ କମ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପଲିସି ମାନଙ୍କୁ ସେତେ ବେଟର ହବ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ସର୍ଟ ଯେତେ ବଡ଼ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦିଗରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କି କୋଉଠି କ'ଣ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହବ ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ବହୁତ ଗବେଷଣା ଆଉ ଡାଟା ବି ଦରକାର ମେନ୍ କଥା ହଉଛି କ'ଣ କି ଆମର ଓସନ ଉପରେ ଡାଟା ନାହିଁ ଆମେ ମେନଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉପରେ ମଡେଲ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଯାଏ ଡାଟା ଆଣେ ସେ ଡାଟା ସେ ଦିଗରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହା ସର୍ବଦା ଆକଳନ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ତ ସରିନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏଁ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏସବୁ ଭିତରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନାରେ ସମୟ ସରିଛି ଆଜି ପାଇଁ ପ୍ରାଇମ୍ ଡିବେଟ୍ କୁଇଟ୍ ରଖିବା ବିଦା ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଐତିହାସିକ।